सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, ये है चाय का टाइम। तो मैं बना रही हूँ चाय और आज मैं अदरक वाली चाय बना रही हूँ क्योंकि अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लगती है मुझे भी, आप लोगों को भी। और जब शायद आप लोग मेरे व्लॉग में अदरक वाली चाय बनते हुए देखते होंगे तो आई एम डैम श्योर कि बहुत सारे लोग जाके बनाने लग जाते होंगे, है ना, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर हमारी सुबह की चाय बन रही है और बस चाय बनाते बनाते दूसरे सब काम चल रहे हैं। किचन ऑलरेडी साफ़ हो चुकी है, आप देख ही रहे हो साफ़ हो चुकी है, घर का सारा काम बाकी है। और आज एक बहुत ही बढ़िया वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी और मैं काफ़ी दिन से सोच सोच के भी नहीं कर पा रही थी। तो वो है मेरी एकदम दिल्ली स्टाइल राजमा रेसिपी। तो आज मैं राजमा बनाने जा रही हूँ गाइस, सो स्टे ट्यून। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से डिस्कस भी करने वाली हूँ, तो बने रहिएगा व्लॉग पे, बहुत जल्द आपको बता दूंगी कि क्या डिस्कस करने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए चाय बन चुकी है और बस मतलब बनने वाली है, तो आप भी आ जाओ मेरे साथ चाय एंजॉय करने के लिए। अभी सुबह का टाइम है, दूध गर्म करना बाकी है मेरा, तो दूध का पैकेट भी मैं धो लेती हूँ। सभी लोगों ने धो के ही वॉश करके ही यूज़ करना चाहिए। और अगर आप लोग वेजिटेबल वगैरह आजकल ख़रीदते हैं तो वो भी आप मेक श्योर वॉश करके ही आप यूज़ कीजिए। मैं वैसे एक फ्रूट वेजिटेबल वॉश बता चुकी हूँ दो दिन पहले वीडियो में, और कल का व्लॉग बहुत कम लोगों ने देखा यार, मतलब शायद मैंने टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया था ना कल का, क्योंकि सुबह में आया था रेसिपी वाला व्लॉग, रोबो कुक इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर वाला व्लॉग आया था, और शाम को मैंने मेरा डेली व्लॉग डाला था। तो कल का व्लॉग बहुत कम लोगों ने देखा है, तो कल के व्लॉग पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है यार, मतलब ऐसा तो हमने क्या कर दिया, ऐसी तो कौन सी गलती कर दी हमने कल के व्लॉग में जो इतना ज़्यादा, मतलब इतना बेकार वाला जजमेंट। लोग कितना जज करते हैं दूसरों को, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। वेल कोई बात नहीं, ये बात मैं आपसे थोड़ी देर बाद करूँगी, तो पहले चाय एंजॉय कर लेते हैं विवेक के साथ बैठ के। और यार कौन सा ऐसा घर होगा कि जिसमें कभी कोई प्रॉब्लम ना आई हो, जहाँ सुख होते हैं वहाँ दुख भी होते हैं, सुख दुख जीवन के दो पार्ट होते हैं। अब अगर हम रोज़ आपके साथ हमारा सुख शेयर करते हैं, खुशियाँ शेयर करते हैं, साड़ी पहनी वो भी शेयर करती हूँ, वट सावित्री व्रत किया वो भी शेयर किया, सब कुछ शेयर करती हूँ, 100K सेलिब्रेशन एवरीथिंग, तो क्या हमें हक नहीं है कि हम थोड़ी सी तकलीफें आपके साथ शेयर करके हमारा मन हल्का कर सकें? और अगर मन हल्का कर भी दिया तो इतना बड़ा गुनाह कर दिया क्या हमने कि लोगों ने इतना जज कर लिया, वो भी इतनी ख़राब तरह से? मैं आपको बताती हूँ, अभी मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है कि क्या आपने अपने पति को, नहीं आपने अपने पति को कितने पैसे दिए कैमरा पे ये बोलने के लिए, क्योंकि कल उन्होंने कैमरा पे अपने दिल की बात आपसे शेयर कर दी थी। वो मुझसे सच में गाइस डिस्कस कर रहे थे, सच में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ मैं मेरे कुछ विटामिंस खा रही हूँ, आप सोचो कि मैं क्या खा रही हूँ, तो सुबह में कुछ विटामिंस लेती हूँ मैं नाश्ते के बाद, वही ले रही हूँ। और अब मैं मेरा दूसरा वाला रूम क्लीन करने जा रही हूँ, तो क्लीन करते करते मैं आपको बता देती हूँ। तो इस टाइप का कमेंट आया हुआ है, आप जाके कल के ब्लॉग पे चेकआउट कर सकते हैं, ये कमेंट मैं यहाँ भी लगा दूंगी। मैंने मतलब मेरे पति को पैसे दिए कैमरे पे ये बोलने के लिए कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। कल उन्होंने ब्लॉग में अपने दिल की बात पहली बार शेयर की, जनरली मैं शेयर कर देती हूँ कि वो परेशान है, वो कभी नहीं बताते। पर जब वो मुझसे बात कर रहे थे उस दौरान कैमरा ऑन था और मैंने उसको वॉइस ओवर में ना करके उसकी वॉइस को मैंने दबाया नहीं, आपको सुनवा दिया। तो क्या हुआ अगर आपको रियलिटी मैंने दिखा दी कि वो परेशान है, और क्या हुआ अगर उन्होंने आपसे शेयर कर दिया? जब वो आपके साथ गाना शेयर करते हैं तब आप सबको बहुत अच्छा लगता है, जब वो आपके साथ जो है अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हैं, डांस शेयर करते हैं, तब आप बड़े खुश हो जाते हो। लेकिन एक उन्होंने अपनी तकलीफ क्या दिल की बोल दी, आपको बड़ा बुरा लग गया, आपने यहाँ तक जज कर लिया कि मैंने उनको ये कहने के लिए कैमरा पे पैसे दिए थे? शर्म नहीं आती ऐसा सोचते हुए? जिसने भी प्रीत गिल करके कोई है जिन्होंने ये लिखा है कि आपने अपने पति को पैसे दिए, क्या सेंटेंस बोलने के, क्यों दूंगी मैं पैसे, मेरे व्लॉग्स ऑलरेडी अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, मेरा चैनल एक अचीवमेंट पे पहुंचा है यार, अभी 100K सब्सक्राइबर मेरे पूरे हुए, मेरा सिल्वर बटन आएगा थोड़े टाइम में, मुझे कहाँ ज़रूरत पड़ गई कि मैं अपने हस्बैंड को पैसे दूंगी ऐसी बात बोलने के लिए? सच में वो तकलीफ में है तो वो शो किया, और वो अकेले नहीं है, सभी हैं। बट कहने से पहले 10 बार सोचिए, इस टाइप की बात करने से पहले ज़रा रुकिए, किसी का दिल दुखाने से पहले। आप किसी को इस तरह से जज नहीं कर सकते, किसी की तकलीफ़ों का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को? शर्म कीजिए, ऐसे ही लोगों को बोल रही हूँ मैं। सो गाइज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी था, बस इसीलिए बता दिया। चलिए अब आप आगे का व्लॉग एंजॉय कीजिए और रेसिपी भी। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, और आपको दिख रहा होगा मैं नहा भी ली हूँ इतनी जल्दी, और अभी आप को मैं टाइम बताऊँ तो 11 बज रहे हैं और मैं नहा चुकी हूँ पहली बार और मतलब हाँ जल्दी नहा लिया, जल्दी उठ गई। तो आजकल वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं तो इसलिए आज जल्दी उठ गई थी, तो इसलिए फिर जल्दी तो नहीं, आँख खुली जाती है एक बार जब जल्दी उठना स्टार्ट हो जाए तो फिर मैं नहा भी ली, और वैसे भी आज मोटर भी ऊपर काम चल रहा है मोटर का, इसलिए फिर आज जल्दी नहा लिया, हम सब नहा लिए, मम्मी भी नहा ली, लेकिन स्टार्टिंग तो मैं ही करूँगी ब्लॉग की। सो मैं यहाँ पे कांदे काट रही हूँ राजमा के लिए। सो
हाय गाइस, वापस से हाय आ गई वापस से कैमरा के सामने। अच्छा लगता है मेरे को आना, और सबको भी अच्छा लगता है। और हमारा मिक्सर ग्राइंडर खराब है तो हम लोग ऐसे चॉप करके राजमे बना रहे हैं, पर ऐसे भी अच्छे बनते हैं ना। हाँ, फाइनली चॉप करते एकदम, करते जाओ तो वो ग्रेवी फॉर्म हो जाता है, तो अच्छे से हो जाता है। ये मैं साफ करती हूँ। मॉर्निंग गाइज, मैं भी आ गई फिर कैमरा के सामने। मैं कहा चलो मैं भी कर दूँ आपको गुड मॉर्निंग। हाँ, अरे तो आपने देखा राजमा बन रहा है आज घर में। प्रिशा ने सारी तैयारी की है, मतलब ज़्यादातर। मैं अभी लहसुन करने जा रही हूँ, थोड़ी सी तैयारी मैं भी करूँगी। राजमा मैंने बॉयल किया, आपको दिखाया, अब मैं दिखाती हूँ आपको राजमा बॉयल होके कैसा लग रहा है। और इस रेसिपी से मतलब जनरली तो लोग ग्रेवी करके बनाते हैं, मैं भी ग्रेवी करके बनाती हूँ, लेकिन मेरा मिक्सर ग्राइंडर पड़ा है ख़राब। विवेक को कितने दिन से बोल रही हूँ, लेकिन कोई भी काम मर्दों से जल्दी से तो कहो तो होता नहीं है, टाइम लगा देते हैं ये लोग। तो आज मैं चॉप करके बना रही हूँ, और चॉप करके भी बहुत अच्छा बनता है राजमा, ऐसा नहीं कि चॉप करके अच्छा नहीं बनता। तो आज हम चॉप करके बनाएंगे, फिर कभी मैं ग्रेवी करके बनाऊंगे तो वो भी आपको दिखा दूंगी। तो चलो शुरू कर देते हैं काम। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, जिसने पहली बार पहनी है। इसके बर्थडे के टाइम पे मैंने इसको गिफ्ट किए थे ना बहुत सारे कपड़े, उसमें से एक है, तो अच्छी स्मार्ट लग रही है। चलो काम शुरू करते हैं, लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी तैयारी की है मैंने, 2 से 3 बड़े प्याज एकदम फाइनली चॉप किए हैं बहुत अच्छी तरह से चॉपर में डाल के, जो मैनुअल चॉपर है। और एक साइड पे टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च को एक साथ चॉप कर लिया है और बिल्कुल ग्रेवी टाइप कर दिया है। और ये कुछ उबले हुए राजमे मैंने वापस से चॉपर में डाली है, इसी में मैंने ये सब कुछ चॉप किया है। और थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी राजमे का, और इसको मैं क्रश कर लूँगी, मतलब चॉपर में एकदम डाल के ना ग्रेवी जैसा कर दूँगी, ग्रेवी को थिक करने के लिए। आगे बताती हूँ आपको। तो गाइस, यहाँ पे मेरी सारी तैयारी हो गई, मैंने आपको दिखा दिया ना। ये मैंने थोड़े से राजमे जो है पीस लिए हैं, और मेरा ग्राइंडर ख़राब है आपको मैंने बता दिया, तो इसको मैंने चॉपर में ही चॉप कर दिया। ये देखिए चॉपर काफ़ी अच्छा काम करता है। ये मेरा टूट गया एक्चुअली, हल्का सा टूट गया है, ये मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया है। मैं बताऊँ आपको, 2.5 साल हो गया, 2.5 साल से ज़्यादा हो गया आई थिंक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और मुझे मटका भी चेंज करना है, देखिए ऊपर से ऐसा हो गया, इसको साफ़ करो, साफ़ नहीं होता तो अब तो सब थोड़ा थोड़ा खुल गया है। तो मैं ख़रीद के लाऊंगी बहुत जल्दी, आपको नया सुंदर सा मटका देखने के लिए मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे इसमें क्रैक पड़ा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, तो अब मुझे नया मंगवाना है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिया है, सब तैयारी डन है, चलो बनाना शुरू कर देते हैं। 11 बज गए हैं, सब काम करते करते, नहीं 11 नहीं सॉरी 11 तो तब बजे थे जब ये इसने शुरू किया था, अभी 12:15 हो रहे हैं, तो बना लेते हैं। और ये वाले राजमा ना, इनको क्या कहते हैं पता है, डार्क कलर के भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, कश्मीरी राजमा आता है, बड़ा राजमा आता है, चित्रा राजमा आता है। तो ये वाला जो मैंने बनाया है ये चित्रा राजमा है, और ये सबसे ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलो आपको रेसिपी शेयर करती हूँ, आज चॉप करके बना दूँ, जब कभी ग्रेवी करके बनाऊँगी वो भी बता दूँगी। चॉप करके भी बहुत अच्छा बन जाएगा, ट्रस्ट मी, बहुत टेस्टी बनता है चॉप करके भी। और मैं ना तड़का लगा के वापस कुकर में डाल के एक सीटी मारूंगी, तो जिससे अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मैं कढ़ाई निकाल रही थी, कढ़ाई में नहीं मारूंगी मैं, तड़का लगा के फिर से कुकर में 1 या 2 सीटी बजाऊंगी, तो बहुत ही बढ़िया वाला फ्लेवर आ जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। क्या कर रहे हो अभी? अभी मेरे साथ घर में विवेक और पेशा किसी काम से बाहर गए हैं। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं ग्रेवी बनाना। तो यहाँ पे मैंने तेल चढ़ाया, और इसके अंदर मैंने ज़ीरा और हींग डाल दिया है, और डायरेक्टली मैं डालूंगी जो मैंने फाइनली अनियन को चॉप किया है। और ये जो मैनुअल चॉपर है काफ़ी अच्छा है, मेरा तो टूट जैसा गया है, मुझे दूसरा मंगाना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी चला यार, लगभग 2-2.5 साल तो चला है ये। बहुत ही अच्छा चॉपर है, बहुत सस्ता है और बड़ा काम लगता है। तो ये मैंने बहुत सारे प्याज डाले हैं, वैसे ग्रेवी करके भी राजमा बनता है, वो भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन आज मैं चॉप करके बना रही हूँ, वॉइस ओवर बाद में हो रहा है, चॉप करके भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था ट्रस्ट मी। तो इसको मैंने पिंक कर लिया है प्याज को, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है। और उसके बाद मैंने लगभग 2 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, और 8 से 10 कलियां लहसुन की थी, 2 हरी मिर्ची थी, सब कुछ एक साथ चॉपर में ही, जिस चॉपर में मैंने प्याज किए उसी में मैंने इसको चॉप कर दिया है पूरे चीज़ को। तो जब भी कभी ऐसा हो ना गाइस कि आपका ग्राइंडर मिक्सर ग्राइंडर ख़राब हो जाए, मिक्सी ख़राब हो जाए, तो आप इस तरह से चॉपर में फाइनली चॉप करके बना सकते हो, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बना था, वॉइस ओवर बाद में हो रहा है, बहुत बढ़िया बना था। थोड़ा सा नमक डाला है मैंने, जिससे कि फटाफट से ग्रेवी मेरी वो हो जाए, फ्राई हो जाए। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी फ्राई होने लगी है, अब 2-3 मिनट हो गए फ्राई करते हुए, तो मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, लाइक हल्दी, कश्मीरी मिर्च थोड़ी जाएगी, थोड़ी सी तीखी वाली मिर्च जाएगी, थोड़ा धनिया पाउडर जाएगा, और इसका जो की इंग्रेडिएंट है वो है एवरेस्ट किचन किंग मसाला या फिर राजमा मसाला, कोई भी एक मसाला आप इसके अंदर डाल सकते हो, बहुत बढ़िया वाला टेस्ट आ जाता है गाइस। तो यहाँ पे मैं कश्मीरी मिर्च थोड़ी और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कलर अच्छा सा चाहिए इसके अंदर। और इसके बाद में मैं डाल दूँगी ये किचन किंग मसाला, आप राजमा मसाला भी डाल सकते हैं जैसे मैंने बताया, पर मैं यही डालूँगी, मुझे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा पसंद है ऐसी चीज़ों में। तो थोड़ा सा गैस को तेज़ करके मैं इसको फ्राई करूँगी, और जब ये थोड़ा सा सूखने लगेगा, मसाला ना जले, उसके लिए मैं राजमे का ही थोड़ा सा पानी जो है वो इसके अंदर डाल दूंगी, जिससे कि मेरा मसाला जल नहीं जाए।
जब आप इस तरह से ग्रेवी डाल के वापस से फ्राई करते हैं ना, मतलब थोड़ा लिक्विड डाल के, तो बहुत अच्छी तरह से ग्रेवी हमारी फ्राई हो जाती है, मतलब भुन जाती है। तो ये आपने देखा मैंने राजमे की जो ग्रेवी है उबले हुए राजमे की वही अंदर ऐड की है। तो थोड़ी सी देर और पकाएंगे इसको, जिससे कि मसाला बिल्कुल भी कहीं से भी कच्चा ना रह जाए, खूब अच्छे से मसाला भुन जाना चाहिए, तो ही राजमा टेस्टी बनेगा। और थोड़ा धनिया अंदर डालूंगी और बाद में थोड़ा गार्निश करने में भी डालूंगी। और गाइज़ ये पूरा का पूरा मसाला मैं कुकर में डालूंगी और फिर से सीटी लगाऊंगी। कुछ लोग कढ़ाई में डाल के भी राजमा पकाते हैं घंटों तक, लेकिन मुझे कुकर में डाल के सीटी लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है मसाला और राजमा वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पर मेरा मसाला भुन गया है, अब मैं इसको कुकर में डाल रही हूँ। और साथ में जो आपने देखा साइड पे रखा हुआ है कटोरी में निकला हुआ जो राजमे मैंने क्रश किए थे चॉपर में, वो भी मैं साथ में ऐड कर दूंगी। तो जो ग्रेवी होती है ना, कई बार क्या होता है, वो मैंने क्यों पीसा है मैं बता देती हूँ आपको। ग्रेवी और राजमा कई बार अलग अलग सा लगता है, मिक्स नहीं होता। तो ग्रेवी को एक अच्छा सा थिक बनाने के लिए इस तरह से मैं करती हूँ, ये टिप आप नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा बनेगा राजमा, आप ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बना था गाइस। कोई बोलेगा नहीं कि ग्रेवी के बिना हमने बनाया है चॉप करके, इतना टेस्टी बना था। तो इसको एक बार से चला देंगे अच्छे से, और बस इसको कुकर को बंद करके फिर इसमें कम से कम भी नहीं तो मैं बोलूँ ना आपको, नमक आपके स्वादानुसार आप डाल सकते हो जितना भी आपको पसंद हो। और इसके बाद में आप पानी वानी देख लीजिए थोड़ा ऐड होगा या नहीं होगा, जैसे आपको जितना पतला पसंद है, हमें थोड़ा लिक्विड ही पसंद है क्योंकि साथ में ज़ीरा राइस बनाने वाली हूँ। फिर इसमें सीटी लगेंगी, एक से दो सीटियाँ इनफ हो जाएंगी। और जब ये बन जाएगा, दो सीटी बनने के बाद मैंने कुकर खोल दिया था, वापस से मैंने हल्का सा देसी घी डाल के कढ़ाई में थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल के तड़का लगा दिया, हरा धनिया डाल दिया और ऊपर से थोड़ा देसी घी डालना है, या फिर बटर भी डाल सकते हैं। विवेक का मैंने अलग निकाल दिया, उनको मैं ज़रा भी दूसरे तड़के वाला नहीं देती हूँ। तो ये देसी घी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है राजमे में। आप चाहें तो यहाँ पे अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको कम खट्टा लग रहा है। यहाँ मैं ज़ीरा राइस चढ़ा रही हूँ बनने के लिए, और एक साइड पे पूरियां, बच्चों को राजमे के साथ पूरियां बहुत पसंद है, तो विवेक के लिए रोटियां उतारूंगी लेकिन पहले बच्चों के लिए पूरियां बना दूंगी। तो गाइज़ आज मैंने जो चीज़ आपके साथ डिस्कस की है ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरे दिल को लगी है, बहुत लगी है। कोई किसी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है, इतना कोई किसी को कैसे जज कर सकता है। हाँ, आज 2 साल से मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूँ, आप ही बताइए अगर कभी हमने अपने दिल का दुख दर्द आपके साथ शेयर कर दिया तो क्या गलत किया। जब हम नहीं बताते, आपको पता है काफ़ी दिन से कुछ लोग विवेक को जो टेंशन है विवेक के चेहरे पे वो फील कर रहे थे कुछ लोग। ऐसा नहीं है गाइस के कोई ऐसे सोचे कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सवाल है कि कुछ परेशानी थी उनके मन में, वो अचानक से बोल दिए, जानबूझ के नहीं बोले, उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं था, बस बोल दिए। और मुझे लगा कि जब मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ, सुख दुख सब कुछ शेयर करती हूँ तो क्या हुआ। और ऐसा नहीं है गाइस के बहुत तकलीफ है, वो नहीं कमा रहे, लेकिन फिलहाल मेरी इनकम तो थोड़ी थोड़ी चालू है, तो हमारा घर चल रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम है कि अगर उन्होंने शेयर किया तो ऐसा लोग कैसे सोच सकते हैं कि मैंने उनको पैसा दिया, मतलब मैं अपने ही पति को पैसा दूंगी ये बोलने के लिए। शर्म से डूब मरे ना ऐसे लोग तो अच्छा है ऐसा बोलने से पहले। मुझे काफ़ी ख़राब लगा कि विवेक की जो इस वक्त तकलीफ है, नो डाउट मैं कमा रही हूँ वो एक अलग बात है, लेकिन जो घर का मर्द होता है उसको तो टेंशन रहती ही है। और अगर वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मजबूर फील कर रहे हैं, पता है कल के व्लॉग को देख के मैं जब खुद व्लॉग देख रही थी तो मेरे आँख में आंसू जैसे आ गए थे जिस मोमेंट उन्होंने बोला था। आप भी देख लीजिएगा कल का व्लॉग, शायद आप भी इमोशनल हो जाएं वो मोमेंट देख के जब उन्होंने बोला था कि ये अच्छी औरत है, खराबी मुझ में है, पैसे नहीं है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। जब उन्होंने ये बोला था ना तो मेरे आँख से आंसू से निकल गए वो व्लॉग में, जब मैंने व्लॉग देखा एडिटिंग के बाद। तो किसी की फीलिंग्स का ऐसे मजाक ना उड़ाया करें गाइस प्लीज। सो हाय गाइस, मैंने खीरा और कांदा काटे हैं, मतलब प्याज, मैंने राजमा चावल बनाए हैं और मम्मी नहीं है ना, पूरी भी बनाई है और रायता भी बनाया है। तो मैंने सोचा कि अब सैलेड ही बचा है, मतलब सैलेड ही बचा है पूरा क्यूजीन कंप्लीट करने में, तो मैंने सैलेड भी बना लिया। और सैलेड अच्छी होती है गर्मियों के लिए। तो यहाँ पे हमारा लंच पूरा का पूरा तैयार है, पूरियाँ तैयार हैं, रायता बनाया है बूंदी का, और ये देखिए राजमा कितना डिलीशियस लग रहा है, खाने में भी इतना ही टेस्टी था। ट्रस्ट मी, अगर आप ये रेसिपी फॉलो करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और साथ में मैंने मैंगोज़ भी काटे हैं, तो हम लोग मैंगोज़ भी इंजॉय कर रहे हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ शाम को विंडो से व्यू। ये जो कमेंट मैंने पढ़ा था इससे थोड़ा सा मेरा दिल दुखा था। आप लोग सोचेंगे कि हेट कमेंट दीदी क्यों डिस्कस करती है, लेकिन बताना ज़रूरी है कैसे कैसे लोग हैं। विवेक ने अपना समझ के आज एक मेरी YouTube फैमिली को अपनी फैमिली मानने लगे हैं, उन्होंने कह दिया तो क्या गलत किया। और वो सच में आजकल काफ़ी परेशान हैं, वो आपको बताते नहीं, मैं भी बार बार नहीं बताती हूँ, लेकिन यार मैं उनको समझाती तो हूँ कि मैं हूँ, आप टेंशन मत लो मैं हूँ, लेकिन फिर भी होता है ना, घर के जो हेड ऑफ़ द फैमिली होता है उसको स्ट्रेस तो रहेगा अगर बिज़नेस थोड़ा ऐसे वैसे हो जाएगा, और वो अकेले नहीं है, सबके ऊपर ये संकट है। मैंने उनको समझाया, लेकिन अगर उन्होंने आपसे कहा तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई भी गलती की। पहले सॉन्ग सुन लीजिए आप उनका।
क्योंकि कल के व्लॉग पे किसी सब्सक्राइबर ने कमलजीत कौर करके कुछ नाम है, उन्होंने लिखा है कि विवेक जी का सॉन्ग प्लीज़ सुनवा दीजिएगा व्लॉग में। तो ये उन्होंने आज तो नहीं गाया है, लेकिन एक दो दिन पहले जो व्लॉग आया था ना, दो तीन दिन पहले, उसमें सॉन्ग गाया था। तो सुन लीजिए आप अपने हस्बैंड को सुनवाना चाहती थी, बस इसीलिए क्लिप आगे का ऐड कर रही हूँ। ओके बाय गाइस। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, वाह वाह वाह, ये अंबर, ये रहना और तुम ये बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये अंबर, ये नैना और रुचि, याद रही हम तुम इतने पास है कितने। पॉज मम्मी, यू स्टार्ट फ्रॉम देयर। दूर है चांद सितारे, सच कहते हैं मन को, मुझे नहीं आता लगते कितने हैं ये प्यारे, बड़े सच्चे लगते हैं ये रुचि और प्रीता, सुहाना सुहाना नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहां है, हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है, ना 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 ना। तो आपने देखा कि वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन कभी तो इंसान परेशान होता है ना। ये वक्त ही ऐसा चल रहा है लॉकडाउन का कि थोड़ा सा उनका बिजनेस ऐसे वैसे हो गया है तो परेशान है वो, लेकिन उनकी परेशानी पे भी शक कर लिया गया कि जैसे वो झूठ बोल रहे हैं, मैंने पैसे दिए और उन्होंने बोला, ये चीज़ बहुत गलत हुई है। प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करें ऐसे लोग। बाकी के लोगों को लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।